बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसालेदार भिंडी। शोरबे वाली है जो के, और इसको बनाने के लिए हमने आधा किलो भिंडी ली है, जिनको हम फ्राई कर, कुछ मैंने फ्राई कर ली और ये फ्राई हो रही हैं। और इनको फ्राई करने के लिए मैंने 2-3 खाने के चम्मच ऑयल डाला है, और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। नमक हसबे जायका है, पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 खाने के चम्मच भर के है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल ली हूँ। लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया, अब मैं इसमें लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, धनिया, हल्दी और नमक मैं बाद में शामिल करूंगी, और गरम मसाला भी। इतने ये मसाला फ्राई होगा। मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, और एक बड़ी प्याज थी जो मैंने गोल्डन ब्राउन करके निकाल ली थी, इसको ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी, और इसमें दही भी शामिल करूँगी, 2-3 खाने के चम्मच दही है, ये भी शामिल करूँगी। मसालों का कच्चापन दूर हो गया, अब इसमें मैं ब्लेंड के हुआ मसाला शामिल कर दूंगी और इसको भूनूंगी जब तक ये अच्छे से भुन ना जाए। ये बहुत ही जल्द तैयार होने वाला सालन है और बहुत मज़ेदार भी है। अब इस वक्त मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें भिंडियाँ शामिल कर दूँगी। ये भिंडियाँ फ्राई हुई हुई हैं, और फ्राई मैंने इसलिए किया है कि इससे कलर भी इसका मेंटेन रहता है, और इसमें लेस भी नहीं आता, जैसे कि इसमें लुआब होता है, जैसे कि भिंडी में लुआब होता है काटने पर छुरी से इतना महसूस होता है, तो हम इस तरह से फ्राई करके भिंडी डालते हैं, तो ये इसमें लुआब बिल्कुल नहीं आता और बहुत ही अच्छी सी भिंडी तैयार होती है। ये बहुत फ़ायदेमंद है आप दोपहर के खाने में और रात के खाने में, कभी भी खाएँ। ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और जोड़ों के दर्द के लिए भी इसको लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं इसको 1-2 मिनट अच्छे से मसाला भूनूंगी, और इसके बाद इसमें थोड़ा पानी शामिल करूंगी, और इसकी इसी में ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब इसमें मैं 1 गिलास तकरीबन पानी ऐड कर रही हूँ। मैं इसको खोलकर पकाऊंगी, और ये क्योंकि हाफ डन है, फ्राई हुई थी आधी जब गल गई थी, और इसको खोल के इसलिए पकाऊंगी कि इसका कलर ख़राब नहीं होगा, और इसमें नमक भी बाद में इसीलिए अभी तक मैंने ऐड नहीं किया, इसको सर्विंग टाइम में मैं नमक भी शामिल करूंगी। भिंडी अच्छी से गल गई है, अब मैं इसमें नमक डाल के और इसको 1-2 मिनट पकाने के बाद डिश आउट कर दूँगी। हरे धनिया से इसको गार्निश करना है, और ये मज़ेदार भिंडी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोहब्बत होगा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।